हेलो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी टी मैथामेटिक्स चैप्टर फाइव अर्थामेटिक प्रोग्रेसन क्लास टेंथ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ फाइव मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस थ्री मीटर ए इन ए स्ट्रेट लाइन देयर आर टेन पोटैटो इन द लाइन ओके okay, देखो एक पोट एक बवा केटबल टी ठीक और पहला पोटेटो जो है फाइव मीटर की दूरी पर रखा गया है उसके बाद वाला सब तीन तीन मीटर की दूरी पर रखा गया है ठीक है टोटल कितने हैं टेन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन पोटैटो हैं ठीक है फर्स्ट फाइव मीटर की दूरी पे और बाकी सब तीन तीन मीटर की दूरी पे है आगे देखो क्या बोल रहे हैं अ कम्पटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो ठीक है जो कॉम्पटीटर है यहाँ से ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेगा और नियर वाला पोटैटो पकड़ेगा रन बैक विथ इट उसके बाद इसको लेके फिर से वापस आएगा ड्रॉपिट इन द बकेट उसके बाद जब वापस आएगा तो वह बकेट में गिरा देगा रन बैक टू द पिक द नेक्स्ट प्रोटैटो रन टू द बकेट टू द ड्रॉप पीट इन एंड कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द आल प्रोटैटो आर द बॉकेट इन द बॉकेट वाट इज द टोटल डिस्टेंस द कम्पटीटर टू रन ठीक है इसका मतलब है कह रहे हैं कि देखो कम्पटीटर यहाँ से चलेगा फर्स्ट प्रोटैटो लेगा आके इसमें डाल देगा फिर फिर चलेगा फिर सेकेंड पोटेटो लेगा आके इसमें डाल देगा फिर चलेगा फिर थर्ड पोटेटो लेगा आके इसमें डाल देगा तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा यही आपको बताना है ठीक है देखो कैसे देखो फर्स्ट चला तो यहाँ से ये यह, यहाँ आया फाइव मीटर फिर आया कितना हो जाएगा टेन मीटर फाइव फाइव टेन यानी फर्स्ट पोटैटो में वो दो बार चल रहा है अगर जो फर्स्ट में फाइव चल रहा है तो फाइव इंटू टू कर दो ठीक है तो हम एक बार का निकाल लें अब उसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे टू टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा पता चल जाएगा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो देखो एक बकेट है यहां से फर्स्ट टाइम जब ये जाएगा ठीक है फर्स्ट टाइम जब जाएगा तो फाइव मीटर चलेगा फिर सेकेंड टाइम फाइव प्लस एट फाइव प्लस थ्री एट फिर थर्ड टाइम थर्ड प्रोटेटो पे एट प्लस थ्री अलेवन फिर ऐसे सो ऑन थ्री 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 ऐड होता जाएगा और जो भी इनका सम आएगा हम उसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, 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 तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है तो देखो एस टेन निकालना हमको एस टेन निकाल के टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा देखो द डिस्टेंस ऑफ द पोटैटो आर एस फॉलो कितना एट फाइव एट अलेवन फोर्टीन देखो ए फर्स्ट कितना है फाइव डी डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म एट माइनस फाइव डैट इज थ्री ठीक है अब देखो अलेवन माइनस फोर्टीन माइनस अलेवन डैट इज थ्री अलेवन माइनस एट डैट इज थ्री मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व देखो इट कैन बी ऑब्जर्व डेट दिस डिस्टेंस आर इन ए पी किसमें है ए पी जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है एट एंड द कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट थ्री ओके अब देखो नेक्स्ट पेज देखो फर्स्ट टर्म कितना आ गया फाइव एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया थ्री अब एन टोटल कितना बकेट है पोटैटो uh, है टेन ओके वी नो डैट एस एन इक्वल टू एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एस टेन निकाल लो तो टेन अपान टू आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन विथ टेन ओके एस टेन इक्वल टू टेन अपॉन टू टू ए की वैल्यू फाइव प्लस टेन माइनस वन इंटू थ्री डी देखो फाइव टू जा टेन ठीक है हमने इतना फाइव रख दिया अब फाइव टू हजार टेन ठीक अब प्लस नाइन एट टेन माइनस वन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन ओके देखो अब फाइव प्लस टेन प्लस ट्वेंटी सेवन मीन्स फाइव इंटू थर्टी सेवन जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा थर्टी सेवन ही आएगा तो अब देखो अब हमने क्या किया इसमें सम ऑफ ठीक है देखो सम ऑफ टेन टू तो, इज़ इक्वल टू वन एट्टी फ़ाइव यानी फर्स्ट टाइम में ठीक है फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम में कितना चला फर्स्ट टाइम में कितना चलेगा वन एट्टी फाइव देखो फर्स्ट टाइम में कितना चलेगा यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे कितना चलेगा वन एट्टी फाइव अब वो रिपीट भी तो कर रहा है देखो यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे वो रिपीट भी कर रहा है तो जितना इधर चलेगा उतना ही इधर चलेगा तो हम टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तो कैसे लिखना है देखो एस एवरी टाइम सी हैज टू रन बैक टू द बकेट हमेशा उसको पीछे आना ही है फिर से बकेट फिर से बकेट फिर से बकेट फिर से बकेट देयर फोर द टोटल डिस्टेंस डेट द कंपटीटर हैज रन विल बी टू टाइम्स ऑफ फीट कितना हो जाएगा टू टाइम्स तो देखो देअर फोर्ट टोटल डिस्टेंस डेट द कम्पटीटर विल रन डैट इज इक्वल टू टू इन टू वन एट फाइव जो उतना है उसका हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब टू टाइम कर दिया ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा थ्री सेवन जीरो मीटर तो कम्पटीटर विल बी रन हाउ मच थ्री सेवन जीरो मीटर थैंक यू क्लास